नमस्कार दर्शकों, ये है एमएनएस न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं एमएनएस न्यूज टीवी। मैं हूं आपके साथ प्राची। तो आइए देखते हैं आज की कुछ खास खबरें। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। इंस्टाग्राम पर युवती का फोटो डालकर किया बदनाम, अधिकृत घातक विक्रेता पर चलती ट्रेन में की गई कार्रवाई, जादू टोने के संदेह में दो लोगों को जिंदा जलाया। आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। इंस्टाग्राम पर युवती को फोटो डालकर किया बदनाम। नागपुर में शांतिनगर इलाके की एक युवती का इंस्टाग्राम पर फोटो डालकर बदनाम करने वाले परिचित आरोपियों के खिलाफ पुलिस ने मामला दर्ज किया है। आरोपी औरंगाबाद निवासी दिनेश खोनकर है, जो फरियादी युवती के आरोपी दिनेश से पहचान थी। 1 मई बुधवार की रात दिनेश ने युवती के से वीडियो कॉल पर बात करके स्क्रीन रिकॉर्डिंग की थी। इसके बाद इंस्टाग्राम पर युवती ने नाम का फेक अकाउंट खोलकर उसका फोटो पोस्ट कर दिया, बदनाम करने का काम किया। यह देखकर युवती को अपमानित होना पड़ा। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज किया है। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। अधिकृत घातक विक्रेता पर चलती ट्रेन में हुई कार्रवाई। नागपुर में बिना इजाजत ट्रेन में अलग अलग खाद्य पदार्थ बेचने के आरोप में 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया। यह कार्रवाई रेलवे क्रॉसिंग स्टेशंस के गुरुवार को बंठेरा और नागपुर के बीच महाराष्ट्र एक्सप्रेस में हुई। रेलवे में ट्रेनों या स्टेशन पर खाद्य सामग्री बेचने के लिए इंडियन रेलवे एकेडमी ट्रेनिंग यूजरेशन से अनुमति लेनी चाहिए, लेकिन कई लोग बिना अनुमति के रेलवे के विभिन्न ट्रेनों में घटिया खाना बेचकर यात्रियों के स्वास्थ्य और जान से खिलवाड़ करते हैं। इन पर अंकुश लगाने की जिम्मेदारी आरटीआई के प्रतिबंधित के साथ खानपान निरीक्षण की भी होती है, लेकिन इनकी अनदेखी के कारण यात्रियों के स्वास्थ्य से खिलवाड़ किया जाता है। हाल ही में ऐसी घटना में वृद्ध पर आक्रोश के बाद गुरुवार को आईएसटी प्रतिनिधित्व और खानपान निरीक्षण की एक टीम ने बनेरा से महाराष्ट्र एक्सप्रेस पर निरीक्षण शुरू कर दिया था। अलग अलग डिब्बों में खाना बेच रहे 8 लोगों को उन्होंने पकड़ा। पकड़ने गए लोगों को उन्होंने खुद ही अरेस्ट कर लिया था। बता दिया था टीम की अपहरण करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कागज की जांच पर उन्होंने गलत पाया। सूचना के बाद कार्रवाई पिछले सप्ताह बल्हार नागपुर स्टेशन पर घटिया और बासी अंडा बिरयानी खिलाने जाने से 60 से 70 यात्रियों को विषबाधा का शिकार होना पड़ा था। इस मामले में रेलवे प्रशासन ने हड़कंप मचा रहा था। इसी पृष्ठभूमि में रेलवे मंडल के वरिष्ठ वाणिज्य प्रबंधक अनिल मित्तल ने सभी खाद्य विक्रेता ठेकेदारों के स्वच्छ ताज़ा और गुणवत्तापूर्ण खाद्य पदार्थ बेचने को निर्देशन दिया था। इसमें से कुछ भी कम से ज्यादा होने से सख्त कार्रवाई होने की चेतावनी दी थी। आइए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जादू टोने का संदेह होने से 2 लोगों को जिंदा जलाया। गढ़चिरौली में जादू टोने के संदेह में महिला सहित 2 लोगों को जिंदा जलाने के दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। गढ़चिरौली जिले के एकालपट्टी तहसील के ग्राम बसलवाड़ में हुए इस मामले में पुलिस ने मृत महिला के पति बेटे समेत 15 लोगों को गिरफ्तार किया। मृत बसलवाड़ी निवासी जननी देवाई तेलामानी है और देवरकट्टी की रहने वाली है। मामले में आरोपी की संख्या बढ़ने की संभावना है। पुलिस अधीक्षक नेतौलिस के मार्गदर्शन में पुलिस निरीक्षक नीलकंठ कुकड़े मामले की जांच कर रहे हैं। एम्पालट्टी तहसील के मुख्यालय से 10 किमी दूर जीवनकट्टी तंजमेल मार्ग पर बेलरवाड़ी गांव है। गांव में एक महिला का गर्भपात हो गया था। लगभग 1 महीने पहले 1 माह से एक बच्चे की मौत हुई थी। गत ये थी कि मई को इस परिवार की एक अन्य बच्चे की भी जान चली गई थी। ऐसे में संबंधित परिवार को शक था कि किसी ने हमारे परिवार के ऊपर जादू डोना कर रखा है। इसी बात को लेकर 1 मई को शाम लगभग 6:30 बजे कुछ लोगों ने जननी तेलाई और देव आदमी के घर पर जाकर उससे मारपीट की और दोनों को गाँव से 1 किमी दूर नाले के पास लिकाकर जिंदा जला दिया। शुरुआत में मामले को दबाने की कोशिश की गई, लेकिन जननी के भाई शाहू मोहनचंद निवासी बासोड़ मेड़ी ने इटलपट्टी थाने में शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने मामले दर्ज कर मृतक जननी के पति और बेटे सहित 15 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया है। अब आप हमारे न्यूज चैनल को अपने मोबाइल ऐप पर भी देख सकते हैं। अपने मोबाइल ऐप पर देखने के लिए प्ले स्टोर से एमएनएस न्यूज टीवी ऐप डाउनलोड करें। इंस्टा, हाई, ट्विटर, कुक और फेसबुक जैसे कई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर हमारा चैनल उपलब्ध है। आप इसे यूट्यूब पर भी देख सकते हैं, आप इसे यूट्यूब लाइव भी देख सकते हैं www.mnsnewstv.com पर। अब वक्त चला दर्शकों ब्रेक का। ब्रेक स्लॉट के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए एमएनएस न्यूज टीवी पर। नमस्कार।